रायपुर रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बेसन गट्टे करी की सब्जी बनाएंगे। इसके लिए हमें आवश्यकता है बेसन, दही, सूखे मसाले, इसमें हींग भी है, हरी मिर्च, तेज पत्ता, करी पत्ता, ऑनियन, कसूरी मेथी, और इसमें हमने लहसुन और मिर्च का पेस्ट बनाया है, ऑयल और गुनगुना पानी। अब बनाना शुरू करते हैं। हमने नमक डाल दिया है, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, थोड़ा वेजिटेबल ऑयल, दही, अब इसको हम आटे की तरह गूंद लेंगे। हमने यहाँ गुनगुना लिया है, इस तरह से जिस तरह से हम आटा बनाते हैं उस तरह से हमें बना लेना है। इस तरह से हम बेसन को तैयार कर देंगे, फिर इसकी हम लोई भी बना लेंगे। इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। इसको हमें ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, क्योंकि उबलने के बाद ये थोड़ा सा मोटा होगा। इस तरह से हमें सारे आटे को इस तरह से बना देना है। इसी बीच में हम पानी उबलने के लिए रख देंगे कढ़ाई में। इसमें हमने पानी रख दिया उबालने के लिए। हमने बेसन के गट्टों को भी रोल कर दिया, काटा नहीं है, उसको उबालने के बाद काटेंगे। इसे हम उबलने के लिए रख देंगे। इन गट्टों को हमें करीबन 8 मिनट तक पकाना है। 8 मिनट में लगभग ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। अब इसे हम ढक देते हैं। ये गट्टे पक चुके हैं, जैसा आप देख रहे हैं इसकी साइज भी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है और ये ऊपर तैरने भी लगे हैं। अब इसे हम बंद कर देंगे। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इसे हम छान लेंगे। छानने के बाद इन गट्टों को हम काट लेंगे। ये पानी को हमें फेंकना नहीं है, ये हमें सब्जी बनाते हुए काम में आएगा। गट्टों को हमें इस तरह से काट लेना है। आप चाहें तो गट्टे छोटे भी रख सकते हैं, चाहे तो बड़े भी रख सकते हैं। यहाँ हमने मीडियम साइज के गट्टे काटे हैं। अब गट्टे के लिए हम तरी बनाने के लिए सबसे पहले हम तेल डालेंगे। तेल में प्याज और हींग डालेंगे, करी पत्ता, मिर्च, तेज पत्ता, थोड़ा जीरा, राई। अब इसे हम भून लेंगे। इतने हम इस बीच में मसाला तैयार कर लेते हैं। दही लेंगे। दही में हम मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, जो हमने मसाला पेस्ट बनाया था लहसुन और मिर्च का वह भी डाल देंगे। इसी में हम घोल लेंगे। पक चुका है, हमने जो ग्रेवी तैयार की थी वह डाल दी है। ग्रेवी को लगातार हिलाते रहना है, नहीं तो यह फट भी सकती है। अब हमारा जो पानी बच गया था गट्टे का, वह भी हम इसमें डाल देंगे।
कसूरी मेथी, इससे क्या खुशबू बड़ी अच्छी आएगी, उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। गट्टे की यह करी तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें गट्टे डाल देंगे। इसे हम पकने देंगे। बेसन गट्टे की कड़ी तैयार हो चुकी है, अब ये परोसने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।